भाई तारू सिंह जी सिख धर्म के महान सिख होए हैं। उन्होंने शहादत बारे आप सारे जाणू हाँ, पर इस वीडियो असं दसन की कोशिश करा कि भाई तारू सिंह जी ने शहीद क्यों किया गया सी, ते भाई तारू सिंह जी ने की वचन किए सन जो उन्होंने जीवंदे जी ही पूरे होए, अते किवें अते क्यों उन्हां दियां जुत्तियां बादशाह दे सिर विच मारियां गईयां। इस पूरे इतिहास नूं आखिर तक सुनो अते फिर सब नाल शेयर भी जरूर करियो। चलो वीडियो नूं शुरू करदे हां। मत्से रंगड़ दे कतल होण पिछों अमृतसर विच सिखां दा आउणा असलों बंद हो गया। शाही फौज दे पैरे पहलां नालों सख्त कर दित्ते गए सी। फिर भी कोई सिदकी सिख रात बराते आउंदे ते इशनान करके जंगल विच भज जांदे सी। उस वेले अमृतसर इशनान करना अपनी जान दे खेडण दे बराबर हुंदा सी। अजिहियां खबरां सुन के चौधरियां अते चुगलां उत्ते सरकार वल्लों वधेरे सख्ती होण लगी कि तुसीं जाण के सिंघ नहीं फड़ाउंदे। तां चुगलां ने सिखां दे बाल बच्चे ते घरां विच अमन नाल वसदे सिंघ फड़ाउणे आरंभ कर दित्ते। इस तरह अनेकां धर्मी सिख बिना गुनाहों ही शहीद कर दित्ते गए। सरकार वल्लों शाही इश्तिहार विच वी इह कढ़िया गया सी कि जो कोई सिंघां दी अन्न पाणी नाल सेवा करेगा वह सज़ा का भागी बनेगा। इस कारण भगत नरंजनीए ने भाई तारू सिंह जी के विरुद्ध जाके चुगली ला दी। भाई साहब पिंड पूला का वसनीक से, वह बड़ा भजनीक साधु सुभा का सिख से। एक उसकी माता एक भैन एक घर के तीन जी ही सन। वह अपनी जमीन विच हाथी वाही करता ते नेक कमाई विचों आए गए लंगर की सेवा करता सी। पता लगे तो वह जंगल विच जाके फौजी सिंघां नूं प्रशादे विच छकाउंदा सी। भगत नरंजनीए ने भाई तारू सिंह के विरुद्ध खान बहादुर नूं भड़काया अते उसकी गिरफ्तारी का हुक्म ले लिया। लाहौरों अहदीए आए तो तारू सिंह जी नूं फड़ के लाहौर लै गए। रात नूं पढ़ाने रहे, पढ़ाने के सिखां ने अहदियां नूं वड्डी दे के भाई तारू सिंह नूं मिलण का प्रबंध कर लिया। उन्हां अहदियां कोलों बल नाल भाई साहब नूं छुड़ा लैके जाण दा इरादा प्रगट किया, पर भाई साहब ना मन्ने क्योंकि इस तरह पढ़ाणीए सिखां दे सिर सरकार दा कह टुटण दा डर सी। अंत भाई तारू सिंह जी लाहौर खान बहादुर जकरिया खां दे सामने पेश किए गए। उन्हें बागी सिखां दी मदद करन दे जुर्म विच भाई तारू सिंह जी नूं मौत जां इस्लाम दी सज़ा सुना दित्ती। भाई सिंह जी ने इस्लाम प्रवान करन तों मना कर दिता तां भाई साहब नूं चरखड़ी ते चढ़ा के लहू लुहान किया गया। सिदकी फिर भी धर्मों ना हारिया, उसनूं जेल अंदर बंद करके सजावां देणियां शुरू कर दित्तियां। उदों तक मस्से रंगड़ का कतल करन वाले सरदार महताब सिंह पिंड आया तो खबर पा के नरंजनीए फौज लैके फड़ा दिता। तो चुगलखोरां ने उसनूं भी फड़ा दिता। वह लाहौर खान बहादुर के सामने पेश होया तो मौत या इस्लाम की सज़ा सुनाई गई। जिहड़े शहीद होण वास्ते पैदा होए होण वह धर्म कदों त्यागदे हन। इस्लाम तो इनकार करन उत्ते सरदार महताब सिंह नूं चरखड़ी ते चढ़ा के शहीद कर दिता गया। इसे समय ही सरदार दयाल सिंह सहसरे वाला चरखड़ी ते चढ़ा के शहीद किया गया। सरदार गर्जा सिंह नूं सूली ते चढ़ाया गया। यह सब कुछ भाई तारू सिंह जी के सामने किया गया। कुछ दिनों पिछों भाई तारू सिंह जी की फिर पेशी हुई। सूबे ने बथेरे लालच दिते पर सिंह साहब धर्मों ना डोले। खान बहादुर ने गर्म होकर कहा, तारू सिंघा तू जिस सिखी ते केसां ते माण करदा है ये केस जुत्तियां नाल उड़ा देंगा मैं। अगों सिख ने जोश विच उत्तर दिता, खान बहादुर मेरी सिखी केसां सवासां नाल निभ जाएगी पर तैनू खालसे की जुत्ती अगे लग के चलना पवेगा। सुन के सूबेदार नूं अग लग गई। उसने हुक्म दे के मोची कोलों सने केसां सिंह की खोपरी लुहा दिती। ये साका नखास चौंक लाहौर अंदर होया। यह अनोखा जुर्म वेख के सारे शहर विच हाहाकार मच गई। लाहौर दे सिखां ने बेनती की तां तारू सिंह जी नूं उन्हां दे हवाले कर दिता गया। इस हालत विच भाई साहिब जी 22 दिन रहे। वह हर वेले गुरबाणी का पाठ करते रहिंदे ते यूं अनुभव करते जिवें कुछ होया ही नहीं। उधर खान बहादुर नूं पेशाब का बन्न पै गया। उसने बड़े इलाज किए पर आराम ना आया। उहदे दिल ते पक्की बह गई कि यह भाई तारू सिंह जी का ही सराप है। उसने सरदार सुभेक सिंह जंबर नूं भाई तारू सिंह जी कोल माफ़ी मंगण वास्ते भेजा। तारू सिंह जी ने कहा कि मेरे हथों तीर निकल चुका है, हुण तां अमृतसर जाओ ते पंथ पास बेनती करो। सरदार सुभेक सिंह जी खान बहादुर वल्लों नजराना लैके अमृतसर पहुंचे। अगे अकाल बुंगे बुढ़े दल का उतारा सी। सरदार सुभेक सिंह ने नवाब कपूर सिंह कोल बेनती की। अंत सारे पंथ ने गुरु अगे अरदास करके सुभेक सिंह नूं हुक्म दिता कि संत सरूप भाई तारू सिंह जी का सराप असलों तां टलेगा नहीं, पर भाई साहब की जुत्ती खान बहादुर के सिर विच मान नाल पेशाब खुल के आ जाएगा। सरदार सुभेक सिंह ने सारी गल खान बहादुर नूं दसी। उहने इन्ना ही गनीमत समझिया।
ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਉਸਨੂੰ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਉਪਕਾਰ ਬਦਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਭੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕੋਤਵਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਚਰਖੀ ਸੂਲੀ ਆਦਿ ਸਜਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੰਤ ਕਈ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗ ਕੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ 1 ਜੁਲਾਈ 1745 ਨੂੰ ਮਰਿਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।